गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज योर नेक्स्ट एप्लीकेशन रिलेटेड टू. ये एप्लीकेशन किसको लिखनी है भाई? टू लाइब्रेरियन. लाइब्रेरियन को लिखनी है फॉर ए रिमिशन ऑफ फाइन, भाई जुर्माना माफी के लिए ऑन बुक्स, यानी किताबों पर जो जुर्माना लगा है. राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखनी है. किसको लिखनी है? टू द लाइब्रेरियन. लाइब्रेरियन को लिखनी है. रिक्वेस्टिंग हिम, और उसे प्रार्थना करनी है टू रिमिट द फाइन, भी जुर्माने को माफ़ कर दे. फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट, क्योंकि उसने किताबें देरी से लुटाई हैं. तो सबसे पहले ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं इनसाइड एड्रेस. क्या ये आपका इनसाइड एड्रेस? तो इससे पहले क्या दिखाई दे रहा है? टू, यानी किसको संबोधित किया गया है? इस सभी को क्या बोलते हैं? इनसाइड एड्रेस बोलते हैं. टू द लाइब्रेरियन, किसके नाम लिखा गया है? लाइब्रेरियन के नाम लिखा गया है. उसके बाद आपके स्कूल का नाम लिखेंगे. जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं तो आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे. मान लो कोई बच्चा आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है तो अपने स्कूल का नाम लिखेगा. उसके बाद भाई कैथल दे रखा है, कैथल की जगह आप क्या लिखेंगे? कैथल की जगह जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है तो वो डिस्ट्रिक्ट आप लिखेंगे. कैथल की जगह पानीपत सोनीपत रोहतक जो भी है आपका, तो वो आप लिख देंगे. इसके बाद है सब्जेक्ट, कैथल के बाद लिखेंगे डेट. तो आज की डेट क्या है भाई? वो डेट लिखेंगे. जैसे आज की डेट भाई 30th जुलाई है, तो आप 30th जुलाई लिखेंगे. किसके बाद लिखेंगे? कैथल के बाद में, या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद में. बट कैथल के बाद, यानी कैथल के जगह किसी ने पानीपत लिखा है तो पानीपत के बाद क्या लिखा है? डेट. तो 30th जुलाई 2020, तो इस तरह से आप डेट लिख देंगे. इसके बाद है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में रिमिशन ऑफ फाइन, भाई जुर्माना माफ़ी के लिए है. फॉर रिटर्निंग बुक्स लेट, क्योंकि आपने किताबें देरी से लुटाई हैं. इसके बाद सर, यानी ये क्या है? ये सैल्यूटेशन है. सर की जगह भाई मैम भी हो सकते हैं, तो आप मैम लिखेंगे. तो इसको क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन, संबोधन बोलते हैं. इसके बाद ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये है आपका बॉडी. इसको क्या बोलते हैं? द बॉडी. द बॉडी में भाई जिस मैटर के लिए, जिस उद्देश्य के लिए लिखा गया है तो वो आप इसमें लिखेंगे. ए फाइन ऑफ ₹20, ए फाइन ऑफ ₹20. तो ₹20 का जो जुर्माना है, हैज बीन इम्पोज्ड, थोप दिया गया है ऑन मी, मेरे ऊपर थोप दिया गया है. फॉर रिटर्निंग द लाइब्रेरी बुक्स, भी जो लाइब्रेरी बुक्स हैं तो उनको लुटाने के लिए. तो ए फाइन ऑफ ₹20, ₹20 जुर्माना हैज बीन इम्पोज्ड, थोप दिया गया है ऑन मी, मेरे ऊपर. फॉर रिटर्निंग द लाइब्रेरी बुक्स, भी जो लाइब्रेरी की किताबें हैं उनको लौटाने से. आफ्टर द फिक्स टाइम, क्योंकि मैंने उनको निश्चित समय पर नहीं लौटाया है तो इसलिए जुर्माना लगा दिया गया है. द डिले हैज बीन कॉज्ड बाय द सर्कमस्टांसिस, अब जो डिले हुई है, जो देरी हुई है वो परिस्थितियों के कारण हुई है. बियॉन्ड माई कंट्रोल, जो मेरे नियंत्रण में नहीं थी. आई वॉज ऑन सिक लीव फॉर 12 days, भाई मैं 12 दिन के लिए क्या था? छुट्टी पर था. सो आई कुड नॉट कम टू द लाइब्रेरी, इसलिए मैं लाइब्रेरी में नहीं आ सका टू रिटर्न द बुक्स, इन किताबों को लौटाने के लिए. सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू प्लीज रिमिट द फाइन, भी जुर्माने को आप क्या कर दो? माफ कर दो. जुर्माने को क्या कर दो? सो आई कुड नॉट कम टू द लाइब्रेरी, इसलिए मैं लाइब्रेरी में नहीं आ सका टू रिटर्न द बुक्स, किताबों को लौटाने के लिए. सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू रिमिट द फाइन, भी जुर्माने को माफ कर दें. आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, भी मैं इस काम के लिए आपका आभारी होऊंगा. इसके बाद क्या दे रखा है? आपका एड्रेस दे रखा है राइट हैंड की तरफ, योर्स ओबीडियंटली की जगह. इसको आपने क्या लिखना है भाई? इसको आपने लिखना है सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू प्लीज रिमिट द फाइन, भी इस जुर्माने को क्या कर दो? आप माफ कर दो. टू प्लीज रिमिट द फाइन. आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, मैं इस काम के लिए आपका आभारी होऊंगा. इसके बाद आपका द सब्सक्रिप्शन दे रखा है, इसमें सब्सक्रिप्शन में योर्स ओबीडियंटली की जगह आप योर्स ट्रूली लिखेंगे. और एक ही हैंड की तरफ लिखना आपने, या आपने लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे. लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे योर्स ट्रूली, TRULY. इसके बाद जगदीश कुमार की जगह आप अपना नाम दे देंगे. डेट आप पहले ऊपर लिख चुके हैं तो डेट को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है. डेट को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि आप भाई कैथल की जगह आप क्या लिख चुके हो? कैथल के बाद क्या लिख चुके हो? डेट लिख चुके हो. इस बात का ध्यान रखेंगे. तो प्यारे बच्चों, ये जो अभी आपको करवाया गया है,
ये जो लैड एप्लीकेशन करवाई गई आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।